नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आपके साथ मैं हूँ दीपिका नयाल। यूं तो दीपवीर ने मुंबई में ग्रैंड पार्टी दी, लेकिन इस पार्टी ने दो दिलों को मिला दिया। वो दिल जो अभी तक एक दूसरे से नाराज थे, वो दिल जो एक दूसरे को अक्सर नजरअंदाज करते हुए नजर आते थे। जी हाँ, आपने सही समझा, हम बात कर रहे हैं बच्चन परिवार की। सभी जानते हैं कि ऐश्वर्या और श्वेता बच्चन की लंबे समय से नहीं बनती। दोनों अक्सर इवेंट में नजर आते हैं, लेकिन एक दूसरे को नजरअंदाज करते हैं। बात चाहे सोनम कपूर की शादी की हो या फिर अनुष्का शर्मा की शादी की, दोनों शादियों में ऐश्वर्या और श्वेता बच्चन एक दूसरे को नजरअंदाज करती हुई नजर आई। ये पहली बार था जब ऐश्वर्या श्वेता बच्चन के साथ पहुंची थी। इतना ही नहीं, दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हुए भी नजर आए। दोनों ने मीडिया के सामने जमकर पोज दिए और एक दूसरे से हंसी मजाक करते हुए भी नजर आए। यकीन ना हो तो आप ये वीडियो देख लीजिए। बच्चन जी, क्या फालतू गिरी है? भाग जाएगा जल्दी ले, भाग जाएगा जल्दी ले, भाग जाएगा। सोलो सोलो, कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा। दरअसल श्वेता बच्चन और ऐश्वर्या बच्चन की लंबे समय से अनबन चल रही है। हाल ही में जब श्वेता बच्चन ने अपना स्टोर लॉन्च किया था, उस मौके पर ऐश्वर्या भी पहुंची थी, लेकिन ऐश्वर्या और श्वेता बच्चन एक दूसरे को नजरअंदाज करती हुई दिखाई दी थी। बीच में खबरें ये भी आई थी कि दोनों के बीच अनबन चल रही है, लिहाजा श्वेता बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन एक दूसरे से बातचीत नहीं करती। लेकिन दीपवीर की शादी में ये दो दिल मिल गए। दीपवीर की शादी में नंद भाभी की खूब बनी, और इतनी बनी कि वो मीडिया के कैमरों में भी कैद हो गई। बहरहाल हम तो यही दुआ करते हैं कि नंद भाभी की इसी तरीके से बनती रहे। खैर, हमारे इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन बाकी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।